लग रहा है भाई, मजा तो आ रहा है पर क्या पर क्या बहुत मजा आ रहा है। तो मेरी चटनी बनने वाली है। सुप्रभात दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं सुबह उठ गया जल्दी और हमारे भाई साहब अभी तक सो रहे हैं यहाँ पर। उठ नहीं रहे, उठ जा मेरे भाई, उठ जा भाई। तो बाइक के लिए सो रहे हैं, मुझे बाइक चलानी है। उठ जा मेरे भाई, अगर मेरे को झटके आ गई तो भाई फिर उठ जा भाई, उठ जा। तो दोस्तों हम जा रहे हैं बहुत अच्छी जगह और भाई साहब उठ ही नहीं रहे हैं, क्या करें भाई साहब का। तो दोस्तों इसमें रख दिए हैं आलू उबालने के लिए, आज बनाएंगे आलू के परांठे। दोस्तों अभी हम तैयार हो चुके हैं, निकल रहे हैं हम एक बढ़िया जगह जाने के लिए और हमारे साथ ज्वाइन हो गए हैं पंकज भाई, लक्ष्य ब्रोज, संजू ब्रोज और हमारी फ्रेंड। और ये देखो ये अबे क्या कर रही है तू, परांठा, ओ परांठा, और हमने परांठे भी बनाए सुबह सुबह। ओ भाई परांठे हैं क्या, वो मत कर दियो तू, क्यों? अरे यार चश्मा, अरे ब्रो यार क्या करोगे तुम चश्मे का, तुम वैसे अच्छे लग रहे हो यार ब्रो। चलें फिर ना, अब संजू तेरा फ्लैश ला। और अब हम चल रहे हैं यहाँ से, और ये तीन जा रहे हैं स्कूटी में, हम तीन हैं बाइक पे। ओ यस ब्रो, तो दोस्तों हमारे आज रुके हैं। अरे देखो ये पता नहीं उल्टे उल्टे पता नहीं कहाँ चले गए, उधर आ गए भाई, कहाँ गए अभी, चलो चल भाई। और हमारी डॉली इनको बहुत एक्साइटमेंट है वहाँ जाने की ना, जोर से बोलो ना, बोलो। तो अभी बच चुके हैं 12 और हम पहुंच चुके हैं लाल ढांग में। ये कालसी रेंज 2 में आता है और यहाँ पर एक पुल है, थोड़े यहाँ पर फोटो फोटो खिंचवाते हैं। यहाँ पर पुलिस चौकी भी है, यहाँ पर चौकी टाइप की भी है एक। यहाँ पर पुलिस जाती नहीं बिल्कुल ना। क्या बोला भाई? नहीं रहती है। अच्छा जी, और यहाँ पर हमारे अज्जू ब्रो देखो उधर फोटो शूट चल रहा है उसका, और यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया लोकेशन है इधर से ये देखो। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं एक बढ़िया सी लोकेशन पे, यहाँ पर है इच्छाड़ी डैम, ये रहा दिखाते हैं आपको, यह है और पानी देख सकते हो आप कितना ज़्यादा पानी है। यह इच्छाड़ी डैम, शायद से टोंस नदी है, टोंसी नदी है ना, पता हम भी पहली बार आ रहे भाई। क्यों आ रहा फिर पहली बार? ओ भाई साहब खाने खोने का भी लार का क्या, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मोमो पैक करो है और कैसा चल रहा है, मजा आ रहा, बढ़िया बढ़िया, ऑल सेट ब्रो। हेलो सर जी, दोस्तों आज हम जा रहे हैं मासु देवता हनोल में, अभी यहाँ से करीबन करीब 100 किलोमीटर और है, और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है अभी तक, भूख भी लगने बैठ गई, और हमने घर से ला रखे हैं परांठे। निकालो भाई एक एक परांठे सब, यही भजन सभी हैं इतने बंद करे भाई, बढ़िया बढ़िया, ले ले भाई ले ले, क्यों सर मारा, क्यों ले बंद करे मैंने, क्यों तेरे को बड़ी शर्म लग रही सर, क्या है ले 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 ले, बढ़िया खा गा, कैसे बने हैं
भाई मेड इन तुम्हारा ब्रो, तुम्हारे भाई ने बनाया है भाई। मतलब मैंने नहीं बनाते तो खाता ही नहीं भाई। तो फिर दोस्तों अभी बच चुके हैं 3:30 और हम पहुंच चुके हैं पता नहीं कहाँ। क्वानो पहुंच चुके हैं हम क्वानो, ठीक है। अब यहाँ से जाना है हमको 73 किलोमीटर और। और हम दोनों क्या लगी पता नहीं क्या चल रहा वहाँ पर। हो भाई क्या चल रहा है इधर, भात बट रहा। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मेन हाईवे पे। अजू सिंह ने हमें उल्टा रास्ता बताया, गांव के रास्ते लेके आया। मेन हाईवे ये जा रही है, यहाँ से आना था हमने इसलिए हमको थोड़ा लेट हो गई। और यहाँ से हमको चलना है अभी 48 किलोमीटर, मतलब करीबन करीबन 1 घंटा लग जाएगा। चलो तुम चलो। क्या हुआ रे, क्या हुआ? दोस्तों आप ये पहाड़ देख सकते हैं, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। बढ़िया, और इन पहाड़ों के बीच में हम अभी बच चुके हैं 4 और हम पहुंच चुके हैं दी वैली ऑफ जॉनसार। देख सकते हैं आप कितनी मस्त पहाड़ियां हैं यहाँ ऊपर ऊपर साइड को वहाँ। और मेरे दो साथी ये थक चुके हैं दोनों। बाकी जो हमारे साथ 3 और है वो आगे चले गए। क्या है पानी खाली बोतल पकड़। तो अभी करीबन करीबन हमको लग जाएगा 40 मिनट और लग जाएंगे हमें मासू देवता पहुंचने में। मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है? मजा तो आ रहा है पर क्या बहुत मजा आ रहा है। तो मेरी चटनी बनने वाली है। नहीं बनेगी। तो दोस्तों अभी बच चुके हैं 5 और हम पहुंच चुके हैं अभी त्यूनी मार्केट में। हो रहा त्यूनी मार्केट उधर। और यहाँ से हमको करीबन 16 किलोमीटर और चलना है। गूगल मैप दिखा रहे हैं 33 मिनट में पहुँच जाएंगे हम वासुदेव तो। क्या बोला? 60 किलोमीटर। और इनको देखो ठंड लग गए। अबे जैकेट निकालो वहाँ से, गाड़ी से जैकेट पहनो। हाँ क्या दोस्तों अभी बच चुके हैं 5:30 और हम पहुंच चुके हैं मासु देवता मंदिर हनोल में। ये रहा मंदिर। लेकिन हमारे साथ एक बकैती हो गई कि यहाँ कपाट बंद हो गए हैं और रात के 10 बजे खुलेंगे। क्या करें, 4 बजे बंद हो गए, बोला रात को खुलेंगे 10 बजे। क्या करें, पूछ तो उसको। है क्या करें फिर? क्या करें अरे वो आखा मंदिर मुली बोलो पार तू पार वा दिखे हो नहीं फोन दिया टूट गया हमारा। खुल गया यार, खुल गया खुल। अरे वो टीका टीका लगा लेते ना हम। है कोई मन से नहीं आया, मैं तो आया था। यहाँ भी तो है ऊपर। आप ये
कंचा उठा लिया आप लोगों ने? कंचे कहाँ पर? ये रे, उठा सकते हैं भीम के? आ जाओ उठाओ इसको पकड़ के, मैं कंचे उठाता हूँ भीम के कंचे। ये बोलते हैं कि भीम के कंचे है। दोस्तों ये हैं भीम के कंचे, इनको उठाना है। हाँ इनको उठाना है। मतलब कैसे कर? आप जैसे उठाओ वैसे उठा लो। ठीक है भैया। आप ना ये पकड़ो कैमरा। जयपाल इधर आयो, बहुत भारी है, भारी का थोड़ा महाराज का नाम लेके हाथ जोड़ के उठाओ। कंधे पे, एक कंधे पे ऐसा रख के इधर गिराओ। हाँ अरे छोटा वाला उठाओ उधर का। देखो भाई कहाँ से हो भाई आप लोग? चमोली। चमोली? ओहो हो, देखो भाई लोग आ रहे हैं चमोली से, बहुत दूर गए हैं। सभी लोग साथ में? हाँ। देख भाई तो भीम का, देखो भाई भीम के कंचे कंधे पे रखो, इसे इधर से देखे इधर फेंको, अच्छे का पीछे जैसे यहाँ उठाया ना यहाँ पे, तो इधर फेंको मुंडी से इधर इधर को। हाँ आराम से दाएं से। मैं बताऊँ कैसे? नीचे रखो पहले। कौन सी नदी है? टोंस नदी है शायद से। टोंस नदी ना? पता नहीं। टोंस नदी मेरे हिसाब से टोंस नदी है। टोंस नदी कैसे कैसे लोग हैं